हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वन पीस ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। उसके लिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरी आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपना फ़ोन चेंज किया है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए मैं अपनी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ वीडियो। लेकिन अब आपको मेरी रेगुलर वीडियो मिलेंगी, उसके लिए आप मेरी सारी वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरी जो भी वीडियो आएंगी वो आपको तुरंत देखने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आए लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस ड्रेस के लिए मैंने प्योर कॉटन फैब्रिक 3 मीटर लिया है। कपड़े को पूरा खोल लिया है और एक साइड से कपड़े को देखिए सेंटर से फोल्ड किया है। यहाँ सेंटर से फैब्रिक फोल्ड है। अब इसे एक बार और सेंटर से फोल्ड करें। नीचे से कपड़े को बराबर कर दिया। मेरे मेजरमेंट में चोली की फुल लेंथ रहेगी 13.5 इंच, जिसमें हम नीचे से 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। यहाँ से ऐड करना है सिर्फ। तो लेंथ हो गई 14 इंच। यहाँ से 14 इंच पे निशान लगाएं। मेरे मेजरमेंट में फुल शोल्डर है 14 इंच का, जिसका हाफ हुआ 7 इंच। इसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे, तो आर्म होल की लेंथ 6 इंच रख रहे हैं। 6 इंच मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा खुला आर्म होल नहीं पसंद है। अगर आप खुला आर्म होल थोड़ा पहनना पसंद करते हैं तो आप शोल्डर के हाफ पे ही निशान लगाएं। इस साइज़ में फ्रंट की लेंथ आती है 9 इंच पर, जिसमें 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो यहाँ से 9.5 पे लगाएंगे। कटिंग फ्रेंड्स आप एक साइड से करते जाएं, जिससे फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। मेरे मेजरमेंट में फुल चेस्ट का साइज़ है 34 इंच, जिसका 1/4 हुआ 8.5 इंच। सेंटर से 8.5 पे लगाएंगे। और फुल वेस्ट का साइज है 28 इंच, जिसका 1/4 हुआ 7 इंच। 1 इंच प्लेट के लिए ऐड करेंगे, तो यहाँ से 8 इंच पे लगाएंगे। इस निशान को यहाँ से मिलाएं। फिटिंग के निशान से आगे के लिए 1.5 इंच लूजिंग और सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। इस निशान को भी मिला दें। सेंटर से 3.5 इंच पे प्लेट डालेंगे। नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच। इस निशान से आगे के लिए 1 इंच पे निशान लगाएं। यहां से लगाएंगे 7 इंच पे। इसे हम फ्रंट बोलते हैं, तो फ्रंट हम 7 इंच रख रहे हैं। शोल्डर का हाफ है 7 इंच, इसलिए 7 इंच रखी। अब हम इस निशान से टच करते हुए आर्म होल का शेप देंगे। इधर से सेम निशान पे कटिंग करें। सॉरी फ्रेंड, इसमें मैं एक चीज मिस कर गई, आप उस चीज का ध्यान रखना। 1/2 इंच ऊपर से भी सीम अलाउंस का ऐड करना है। जैसे मेरे केस में चोली की फुल लेंथ है 13.5 इंच, 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। 1/2 इंच यहाँ से और 1/2 इंच शोल्डर अटैच करने के लिए। अब हम ऊपर से 1/2 इंच का अलग से जोड़ डाल देंगे, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ से हम 5 इंच पे ही निशान लगा ले रहे हैं। फ्रंट नेक है 5 इंच, तो इसलिए हम 5 इंच पे ही लगा रहे हैं। इस निशान से 2 पॉइंट का मार्जिन लेके कट करेंगे। यहाँ पे स्मॉल कट लगा दें। अब इसमें से एक पार्ट को हटा दें। एक लेयर को बराबर से सेट कर लिया। इसमें हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। मेरे मेजरमेंट में बैक नेक की लेंथ रहेगी 7 इंच। जैसा कि आपको बताया, इसमें हम ऊपर से 1/2 इंच का जोड़ डालेंगे, जो कि हम डालना भूल गए थे, तो इसलिए हम 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जब कटिंग करेंगे तो आप ऐड करके कटिंग करेंगे, तो आप सीम अलाउंस का मार्जिन भी ऐड करके ही कटिंग करें। अब इस निशान पे कटिंग कर दें। सेंटर की प्लेट के निशान से इस तरह पकड़ें। 1/2 इंच का मार्जिन लेके प्लेट डालेंगे, तो यहाँ से इस निशान तक ऐसे मिलाएं और इस पे सिलाई लगाएं। दोनों तरफ सेम प्लेट डालनी है और ऊपर की तरफ मैंने ये जॉइंट डाल दिया है, जिससे इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है।
अब देखिए इसकी लेंथ 14.5 इंच है। मेरे मेजरमेंट में थी फिक्स लेंथ 13.5 इंच, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो अब इसकी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। इसे सीधी तरफ से रखें। सेम ऐसे ही फ्रंट का पार्ट भी तैयार कर लिया है। इस पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखें और यहाँ से एक शोल्डर अटैच कर दें। दूसरा शोल्डर अभी खुला रखना है। अब आपको क्रॉस पट्टी लेनी है, जिससे हम नेक लाइन और आर्म होल दोनों ही फोल्ड करेंगे। इसकी विड्थ है 1.25 इंच। सेंटर से क्रॉस पट्टी को फोल्ड करें और देखिए फ्रेंड्स, सीधी तरफ से क्रॉस पट्टी को साइड से मिलाते हुए रखें। जब आप क्रॉस पट्टी को अटैच करेंगे तो क्रॉस पट्टी को खींच के सिलाई लगानी है, इस वाले कपड़े को नहीं खींचना है। ऐसे बराबर मिलाते हुए क्रॉस पट्टी को खींचते हुए सिलाई लगाएं। पूरी नेक लाइन में इस पट्टी को अटैच कर लिया है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 1 पॉइंट का मार्जिन लेके ही सिलाई लगाई है ये वाली। इसमें जो सीम अलाउंस का मार्जिन है वो सिर्फ 1 पॉइंट का लिया है। और आप जब इस पट्टी को अटैच करेंगे तो हमारी देखिए चौकोर में कटिंग है, तो जो हमारी ये क्रॉस पट्टी है उस पर पहले कट लगा लें। मैंने देखिए जैसे ये कट लगाया है, सेम ऐसे ही कट लगा लें। और आप इसको सिलाई मशीन में ऐसे फंसाएंगे, तो जब ऐसे कट लगाएंगे इस वाले हिस्से को ऐसे सीधा कर लें। जब ऐसे सीधा कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये वाली पट्टी सीधे अटैच होती जाएगी। पीछे से भी देखिए बिल्कुल बराबर है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे मोड़ आएगा वहाँ पे कट लगाना है, फिर इसको ऐसे सिलाई मशीन में सीधा फंसा लेना है, जिससे बिल्कुल आराम से सिलाई लग जाएगी। अब इसे पीछे की तरफ पलट देंगे और किनारे किनारे से सिलाई लगाएं। पूरी पट्टी को देखिए फ्रेंड्स, फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लिया है। और जब आप इसका दूसरा शोल्डर अटैच कर देंगे, उसके बाद जैसे हमने नेक लाइन को फोल्ड किया, सेम वैसे ही आर्म होल भी फोल्ड कर लेना है। अब कलियां बनाने के लिए एक साइड से लेयर कट करते जाएंगे। मेरे मेजरमेंट में फुल ड्रेस की लेंथ रहेगी 45 इंच, जिसमें 13.5 इंच चोली की लेंथ माइनस करेंगे और 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे, तो टोटल लेंथ हुई 32.5 इंच। ये देखिए 32.5 इंच की लेंथ पे है और ये मैंने सिंगल लेयर कट करी है। उधर से ओपन साइड है और इधर से इसका फोल्डेड साइड है। ये सिर्फ सिंगल लेयर है, ऐसी आपको 3 लेयर कट करनी है। इसमें मैं आपको कपड़े की विड्थ भी बता दे रही हूँ। देखिए पूरे कपड़े की टोटल विड्थ है 42 इंच, जो कि नॉर्मल फैब्रिक में आती है। इसी तरह से आपको 3 लेयर निकालनी है। एक लेयर तो ये हो गई, ऐसे ही 2 लेयर और कट करनी है। इसे हम सिंगल लेयर में बिछा के रखेंगे। इसे हम 12 कली में बना रहे हैं, एक लेयर से 4 कली निकालेंगे। तो टोटल फैब्रिक की विड्थ है 42 इंच। एक लेयर से हम 4 कली निकाल रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, आया 10.5 इंच, जिसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो टोटल हुआ 13.5 इंच। नीचे से कली की विड्थ 13.5 इंच रखेंगे। फुल वेस्ट का साइज लेंगे, तो फुल वेस्ट है 28 इंच मेरे मेजरमेंट में और इसे हम 12 कली में बना रहे हैं, तो डिवाइड बाई 12, आया 2.3 इंच, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो आया 3.3 इंच। ऊपर से एक कली की विड्थ 3.3 इंच रखेंगे। फैब्रिक के एक साइड से नीचे से कली की विड्थ है 13.5 इंच, तो 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 13.5 इंच का हाफ लेंगे, तो ऐसे इसको हाफ कर लें। ये आया 7.25 इंच। इस तरफ से नीचे से कली की हाफ विड्थ का निशान लगाएंगे 7.25 इंच पर। ऊपर से कली की हमने टोटल विड्थ निकाली 3.3 इंच, इसे हम पूरा 3.25 इंच मान लेंगे। 3.25 को ऐसे हाफ कर लेंगे, ये आया 1.6 इंच। तो सेंटर वाले पॉइंट से इधर से 1.6 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर सेम ऐसे ही इधर से भी 1.6 इंच पे। इसे पूरा नाप लेंगे तो ये देखिए 3.25 इंच आ रहा है, तो इस तरह से आपको निशान लगाना है। अब इस वाले निशान को
उस निशान से मिलाएं और इस निशान को बिल्कुल कोने से। अब सेम निशान पे कटिंग करें। इसमें ये वाला फैब्रिक तो बिल्कुल वेस्ट है, इसे हटा देंगे। अब ये वाली कली उधर के लिए घुमा दें और साइड से बराबर मिला के रखें। सेम नीचे से भी बराबर मिलाना है और साइड से बराबर कटिंग करनी है। ये वाली जो लेयर है बिल्कुल इसी के बराबर करना है। अब इसमें से एक कली हटा दें। अब इस कली को इधर के लिए घुमा लें। अब इसको बराबर मिला के रखें साइड से। अब इसके बराबर कटिंग कर दें। इसमें से एक कली हटा दें, इधर के लिए घुमा लिया, किनारे से मिला के बराबर सेट कर दिया। अब इसके बराबर कटिंग कर दें। ये भी वेस्ट है, इसे हटा देंगे। इसी तरह से कटिंग हमें बाकी की दो लेयर पे करनी है। जैसे कि देखिए, मैंने एक लेयर ये निकाली है सेम साइज में और दूसरी लेयर ये निकाली है सेम साइज में, तो हमारे पास तीन लेयर हैं ऐसे। इनसे भी चार चार कली निकल आएंगी तो टोटल 12 कली हो जाएंगी। जैसे एक लेयर पे कट करना बताया, सेम वैसे ही इन दोनों लेयर पे भी कट होंगी। और आप इसे अटैच कैसे करेंगे, तो इसे बिल्कुल ऐसे ही रखना है। जैसे देखिए, ये रखी हुई है कलियाँ, बिल्कुल ऐसे ही रखना है एक दूसरे के ऊपर और साइड से मिलाते हुए अटैच करना है। सारी कलियों को देखिए एक साथ अटैच कर दिया है। यहाँ पे मैंने पूरे घेरे को तैयार कर लिया है और नीचे से एक इंच का मार्जिन लेके कपड़े को फोल्ड भी कर दिया है पूरे घेरे में। अब ये तैयार हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया था। चोली और नीचे का घेरा कट करने के बाद अब हमारे पास सिर्फ इतना कपड़ा बचा है। अगर आप इस साइज में कुर्ती 3 मीटर में बनाएंगे तो आपका भी इतना ही कपड़ा बचेगा, जिससे हम ये वाली फ्रिल निकालेंगे। इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे जिससे ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा। ऐसे देखिए, स्क्वायर शेप में हो गया। अब इसको कट कर देंगे। ये पीस स्क्वायर शेप में है, सेम ऐसे ही बाकी के कपड़े पर भी स्क्वायर शेप में पीस कट करेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लें। यहां से इसकी लेंथ आ रही है लगभग 5 इंच, तो 5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। अब इसे कट करें। अब इसे सेंटर से खोलें। अब इसे यहां से कट कर दें। ऐसे सेंटर से कट कर लेना है। अब इसमें से एक लेयर लें। आपको इसमें सिर्फ 2 लेयर का ही यूज करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ से हम ओवरलॉक करेंगे। इधर से भी ओवरलॉक करनी है और इस तरफ से भी आप ओवरलॉक कर लें। फिर हम चोली लेंगे और इसे फैला के रखें। एक फ्रिल को लें। ये देखिए, जो इसका सेंटर है, इस सेंटर को शोल्डर वाले जॉइंट से रखना है। इस तरह से शोल्डर वाले जॉइंट पे रखें, बिल्कुल किनारे से रखना है। हमें सिर्फ एक पॉइंट का इतना मार्जिन लेके, लगभग एक पॉइंट का मार्जिन लेके सिलाई लगानी है और ये सिलाई बिल्कुल किनारे से लगानी है। ये देखिए, यहाँ पे टच होना चाहिए, तो ऐसे हमें इधर के लिए एक पॉइंट मार्जिन बना के रखना है और इसको ऐसे सीधा बराबर मिला लेंगे। इस तरह से ऐसे बराबर मिलाते हुए बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इतनी किनारे लगानी है कि ये वाली सिलाई बिल्कुल यहाँ किनारे पे आनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लंबाई में इसको अटैच कर देना है। फिर ये स्लीव घूम के इधर के लिए आ जाएगी। मैंने देखिए बिल्कुल किनारे किनारे से ही इसको अटैच किया है। अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करें।
और साइड से फिटिंग की सिलाई लगाएं। फिर घेरे को भी उल्टी तरफ से रखें और टॉप को भी देखिए उल्टी तरफ से रखा है। साइड वाले ज्वाइंट से ऐसे बराबर मिलाते हुए इसको राउंड में अटैच कर देंगे। इस तरह से बराबर मिला के राउंड में अटैच करें। और अब हमारी ड्रेस पूरी कंप्लीट हो गई है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।